पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा वंदे मातरम को तोड़ा मरोड़ा गया, दफनाने की कोशिश, पूछा वंदे मातरम से चिढ़ क्यों। पीएम मोदी ने बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर ममता पर किया हमला, पीएम ने कहा कि गुंडों की टोली चाहे जितनी हिंसा करे जीतना बीजेपी को ही है, टीएमसी के 40 विधायक संपर्क में है। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल नए भारत के निर्माण के लिए ऐतिहासिक वोट कर रहा है। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर में भी हिंसा, आसनसोल बीरभूम समेत कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बाबुल सुप्रियो की गाड़ी पर हमला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई, बूथ पर पहुंचते ही किया हमला, नदिया में बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे ने हिंसा का आरोप लगाया। चौथे चरण में दोपहर 3 बजे तक यूपी में 44%, राजस्थान में 53%, मध्य प्रदेश में 49%, बिहार में 44 और झारखंड में 45% मतदान, बंगाल में सबसे ज्यादा 66% हुई वोटिंग। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का अपमानजनक ट्वीट, लिखा एक गलत वोट आपके बच्चों को चाय वाला, पकौड़े वाला या चौकीदार बना सकता है, दोहराने और ठीक करने से बेहतर इसे रोका जाए। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ तेज बहादुर यादव को हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, नामांकन फॉर्म सही पाए जाने पर शालिनी यादव की जगह लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के सनी देओल ने गुरदासपुर से किया नामांकन, कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना साहिब से और पंजाब के भटिंडा में प्रकाश सिंह बादल ने भरा पर्चा। योगी आदित्यनाथ का सोनिया गांधी पर हमला, कहा आतंकियों के मारे जाने पर सोनिया गांधी को रोना आता है, शहीदों के लिए उनकी आंखों से एक आंसू नहीं निकलता। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना केस में राहुल गांधी का नया हलफनामा, चौकीदार चोर है बयान पर।